क्या पार्टी से प्रभावित को भी चुनाव लड़ाने की बात करें? बिल्कुल बिल्कुल, अगर मेरे पार्टी के नीति को आप स्वीकार करते हैं ना, ये तो पहली बार है कि आपकी पार्टी के मुखिया पत्रकारों को भी चुनाव लड़ाने, अगर आप आपके मन में है, हिंदुस्तान की राजनीति के संत हैं और राजनीति के शतरंज के खिलाड़ी हैं माननीय नेताजी, पार्टी की तरफ है आप बता रहे, कोई लोग है पार्टी के लोग है, किस पार्टी आपका नजर कई कई मैं खुलासा कर दिया, आपने इशारा किया चुकी, तो चुकी सुनिए ना, वो चाहते हैं वो लोग श्री कुमार मामा बोले ताकि वो लोग भी बोले कि उनको 10 लोग जान जाए, ऐसा गलती मैं करने वाला हूँ नहीं। नहीं, पार्टी का तो नाम बता सकते हैं, आपने कहा कि कुछ पार्टी के लोग हैं तो पार्टी का नाम बता सकते हैं आपने? अभी एक बलिया की एक नेत्री थी, उन्होंने बोला, अभी एक दिन एक आप ही के चैनल या किसी चैनल पे किसी किसान नेता का मैंने नाम सुना, उनको पता नहीं होगा कि 1 बीघा में कितना यूरिया मारा जाता है, कहने को तो किसान ही नेता है लोग, पता नहीं होगा कि 1 बीघा में यूरिया कितनी मारी जाती है, गेहूं में पानी कै तो दिया जाता है। अगर आपका जवाब का आपके बयान का जवाब दे दे तो? अरे जवाब तो कोई किसी को दे सकता है, आप कैसे कर सकते हैं कि उनको पता नहीं होगा किसान का? अरे मैं दिल्ली का हूँ, ललन यादव की बात, मैं दिल्ली का रहने वाला, खुलासा नहीं बोलते आप, सिर्फ किसान की बात, उनका नाम आप के क्षेत्र के, उनका नाम का, मेरी बात समझिए, मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ, तो आप किसान का नाम दे रहे हैं, उनका नाम बड़ी बात है आपको बताना चाहिए, आप वही के क्षेत्र में। जब इंटरव्यू मैंने देखा और माननीय नेताजी के बारे में ऐसे ऐसे बोल रहे थे, शब्दों का प्रयोग कर रहे थे, अच्छा आदमी ऐसे शब्द का प्रयोग थोड़े करता है यार, तो वो तो आप वही के पड़ोसी है ना, अच्छे पड़ोसी मन में ऐसी भावना क्यों है? आप तो कम से कम मुलाकात कर सकते हैं या फिर उनकी विचारधारा पढ़ सकते हैं। इतना मैं, अरे यार मैं कोई चाहे किसी कुमार मामा को गाली, अगर हम प्रकाश राजभर अगर श्री कुमार मामा को गाली देने से ही कोई बड़ा नेता खुद को बनना चाहता है तो बन जाए ना, स्वागत है, शुभकामना है हमारी। अगर हम प्रकाश राजभर जी और श्री कुमार को निचले स्तर के शब्दों से प्रयोग करके आप चाहते हो कि बड़े लीडर बन जाओ तो बन जाओ भैया, आप लोग स्वागत है, लेकिन ओम प्रकाश राजभर बहुत बड़े हस्ती का नाम है, जीरो से लेके हीरो बने हैं, बहुत संघर्ष किए हैं। चलिए हीरो बोलने से बोलने से पहले थोड़ा सोचना समझना चाहिए किसको क्या आप बोल रहे हैं। चलिए हम बात करेंगे कि आगामी ये चुनाव को लेकर क्या आप लोग की तैयारी है? बिल्कुल बिल्कुल खड़े होंगे, बिल्कुल किसको धरातल पे देखा जा रहा है, मतलब प्रत्याशी का नाम तो यहाँ से तो मैं खुद ही हूँ। अच्छा, यानी कि आपका मन बिल्कुल मिजाज, मैं लड़ा था पिछले बार भी, मैं भी यहाँ से हूँ, अगर पार्टी मुझे टिकट देगी तो लड़ूंगा, नहीं देगी तो नहीं लड़ूंगा, जिसको टिकट देगी उसको जितवाऊंगा, हो सकता है समान पिछली बार समान था, बैकवर्ड अनुसूचित बदलता रहता है ना आरक्षण में, पार्टी जिसको टिकट देगी कोई ना कोई लड़ेगा, अगर मुझे देगी तो मैं लड़ूंगा, आपको दे देगी तो आप लड़िएगा, यहाँ बगल में गोपाल सिंह पत्रकार है, जर्मन वाले, अगर पार्टी से गोपाल सिंह पत्रकार है उठाकर दे देगी, नहीं नहीं जो पार्टी से नहीं रहेगा उसको कैसे दे? अरे मैं बता रहा हूँ ना, गोपाल सिंह पत्रकार है, इनका मन करेगा सुबह से पार्टी से प्रभावित को भी चुनाव लड़ाने की बात करें। बिल्कुल बिल्कुल, अगर मेरे पार्टी के नीति को आप स्वीकार करते ना, तो पहली बार की आपकी पार्टी के मुखिया पत्रकारों को भी चुनाव लड़ाने, अगर आप आपके मन में है कि सुभाषपा पार्टी की नीति बेहतरीन है, इस दल से मुझे राजनीति करके लोगों की सेवा करना है, और अगर चुनाव लड़ना चाहते हैं, मुझे ऐसा लगेगा कि आप इस धरातल पे ठीक है तो आपको लड़ाया जाएगा, स्वागत होगा, कौन सा गलत है? ये तो पहली बार देखने को मिलेगा, ये करिश्मा सुभाषपा ही करेगी, नेता के मन में इस तरह से कोई ख्याल नहीं आया, आपके नेता ने इस तरह से ख्याल भी रखे है? अरे हमारे नेता सबका ख्याल रखते हैं, सबका, इसीलिए तो कह रहा हूँ हिंदुस्तान की राजनीति के संत हैं और राजनीति के शतरंज के खिलाड़ी हैं माननीय नेताजी, जो पार्टी में 10 साल 5 साल जो समय दिए रहते हैं उन कर करता आरक्षण से नेता का ख्याल नहीं रहता। मेरी बात समझ रहा हूँ ना भैया, हम लोग जो जीतता, जिसे आप आ गए अभी पार्टी में, आप जीत गए, आपको ही हम अपना मानते हैं, सुकुमार माओ गए चुनाव लड़ना है, मुझे ना विमलेश को मिल गया, आप लड़ रहे हो, आप जो मुझे लगेगा कि मैं ही, आप ही शिव कुमार मामा, हमारे दल में यही होता है। नहीं, आपके कहने अनुसार तो ये हुआ कि पार्टी के कोई कार्यकर्ता कितना भी दिन से संघर्ष कर रहा हो उससे कोई मतलब नहीं है, नहीं लड़ना, दूसरे को भी नहीं, ये आप ये गलत, आपने अभी तो कहा मैंने ये कहा चुनाव लड़ाया जा सकता है, तो कहीं ना कहीं आप पूरा बात नहीं सुने, आप मैंने कहा कि अगर आप पार्टी के नीतियों से प्रभावित हैं, अगर आप चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आइए, स्वागत है, टिकट मिलेगा आपको, पत्रकार आपको भी मिलेगा, तो हम सब आप ही को जिताएंगे। अच्छा। मुझे मिलेगा तो आप मुझे जिताइएगा, कहने का ये तात्पर्य है। चलिए, वो तो पार्टी का विषय है ना। इस समय कहीं ना कहीं जोहराबाद की एक नई सियासत सामने आ रही है कि आगामी चुनाव को लेकर बहुत जोर आजमाइश किया जा रहा है, अभी खींचातानी बाकी है, अभी वक्त आएगा। 13 जोहराबाद विधानसभा में 13 है जिला पंचायत की सीट,
और मेरा भाजपा से गठबंधन भी है, और देखिए क्या फैसला होता है कि मिलके पंचायती चुनाव लड़ा जाएगा कि अलग लड़ा जाए। अच्छा, जहां तक मुझे उम्मीद है कि 13 सीटों पे हम लोग 13 का 13 जीत लेगा गठबंधन। गठबंधन और भाजपा पार्टी मिलकर या फिर अलग भी चुनाव लड़ा जाए, इसके मतलब अलग अलग लड़ा जाए तो क्या लग रहा है कि आपकी पार्टी लड़ने के लिए सक्षम हो पाएगी यहाँ? अरे यहाँ से हम विधायक हैं प्रभु, विधायक है। विरोधी का कहना है कि यहाँ वो अलग अगर अकेले लड़के दिखा दे। क्या चीज? चुनाव। किस चीज का? किसी भी चीज का। विपक्षी अभी निशाना साध रहे हैं। कौन है विपक्षी? आपके ही समाजवादी पार्टी के लोग। समाजवादी पार्टी का किसी दल से गठबंधन नहीं है? बिना गठबंधन के वो लोग आपको दावा ठोक रहे हैं। वो क्यों? अच्छा, वो गठबंधन से लड़ेंगे हम बिना गठबंधन? बिना गठबंधन करेंगे। ओम प्रकाश राजभर सामने आ जाएंगे जोराबाद में, पूरा जो है दावा करेंगे समाजवादी पार्टी यहाँ निकल रही है। ठीक ठीक ठीक। उनका किसी दल से गठबंधन है कि नहीं पत्रकार महोदय, आप बताइए? वो तो अलायंस में है अभी, है ना? अलायंस में रह सकते हैं, हम नहीं रह सकते? अलायंस में तो दोनों है, लेकिन कहना उनका यह है कि अगर यहाँ की जनता कौन कह रहा था समाजवादी पार्टी के, उनसे जो आपसे कह रहा था ना, उनसे पूछे कि आज तक आपसे अखिलेश यादव से कभी 10 मिनट मुलाकात हुई? बिल्कुल, उन लोगों का फोटो भी है। ऐसा क्या है मानते फोटो खिंचवाना अपने ही मुखिया से मिल? सुने सुने सुने, फोटो खिंचवाना मुलाकात करते हैं उसको? कई लोगों को फेसबुक पे देखता हूँ फोटो खिंचा कर कहें की क्षेत्र के लिए वार्ता करते हुए, फोटो में वार्ता होला उनके कहने पे टिकट मिलता है? फोन कॉल से बात नहीं करते हैं आपकी तरह? अरे चलिए, आपकी तरह फोन कॉल से बात कितना फोन उठता होगा अखिलेश यादव का पता नहीं, उन लोग का नंबर बहुत मस्से भोई की ना हो उनकी मोबाइल में बड़ बड़ जाना कर, तब फोन में ना उठेला तब ले, अब से लेना देना है खुद से लेना है, पार्टी अपनी विकसित करना है, अपने नेताओं को आगे बढ़ाना, दूसरे से क्या लेना देना, हमें दूसरे के बारे में ज्यादा बात नहीं करते। जोराबाद के खास इस समय नए अपडेट के साथ उपस्थित रहे हमारे साथ शिव कुमार यादव मामा, क्योंकि ये लोग काफी अपने क्षेत्रों में संघर्ष जारी रखते हैं और जनता के बीच हमेशा उपस्थित रहते हैं। तो फिलहाल इन्हीं बातों के साथ इस वक्त के लिए इतना, नमस्कार।